السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, इस वक्त मैं बड़े करब से गुजर रहा हूँ, बड़े गम और सदमा की कैफियत है कि मेरा एक बहुत बेहतरीन साथी, मेरा दोस्त, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, जिसने एक अरसा अल्लाह के रसूल की नातों के साथ लोगों के दिलों को गरमाया और सारी दुनिया में तबलीग की नस्बत के साथ अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया, हर मस्जिद, हर महफिल में उसने अल्लाह का पैगाम सुनाया, आज वो अचानक हमसे बिछड़ गया। जाना तो तय ही है, रहना एक धोखा है, जाना एक हकीकत है। जिंदगी एक शराब है, पानी का बुलबुला है, मौत एक अटल हकीकत है। लेकिन जब ऐसे अचानक कोई करीबी बिछड़ जाता है तो सारा वजूद लरज उठता है और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एकदम कोई बहुत बड़ा झटका खा के लड़खड़ाई हो। अल्लाह संभाला दे देता है हर सदमे से। जुनैद एक बेहतरीन इंसान था, मेरी उसकी रफाकत कोई 20 साल की है, मैंने ऐसे अखलाक वाला बहुत कम देखा। उसे तो कोई अहले इल्म की कोई लंबी चौड़ी सोहबत नहीं थी, लंबी चौड़ी तरबियत नहीं थी, कोई लंबी चौड़ी अहले जिक्र और अहले अहलुल्ला की कोई लंबी चौड़ी सोबत नहीं थी। वो अपनी फितरत से बड़े आली अखलाक वाला था। और एक माजी का वाक्या सुनाता हूँ, मुझे याद नहीं, मैं कहाँ बैठा था, सामने टीवी चल रहा था तो आवाज़ उसकी बंद थी, तो मैंने देखा एक नौजवान वो बीच पे डांस कर रहा है और उसके चारों तरफ लड़कियां डांस कर रही थी। तो मेरे जी में आया कि इस नौजवान को कैसे हिदायत मिलेगी, इस लिहाज से नहीं कि अल्लाह तो कादिर है जिसको चाहे दे दे, इस लिहाज से कि ये इतने गलत माहौल में है, इस तक कौन पहुंचेगा, इसे कौन अल्लाह की बात सुनाएगा। ख्याल आके गुजर गया और मैं वहां से उठ गया, याद ही ना रहा। 97 की बात है, कराची इज्तमा में था तो मुझे एक शख्स, एक नौजवान ने कहा जी एक पाकिस्तान का मशहूर गुलकार है जुनैद जमशेद, उससे आपकी मुलाकात करानी। मैंने कहा ले आओ। तो जब वो अंदर आया तो वो वही नौजवान था जिसको मैंने टीवी स्क्रीन पर नाचते हुए देखा और उसके साथ लड़कियां नाच रही थी। तो मैं एकदम देख के हैरान भी हुआ, खुश भी हुआ। तो मैंने उससे पूछा आपका नाम? का जुनैद जमशेद, क्या करते हो? कहने लगा मेरा मौसीकी से ताल्लुक। मैंने पूछा बजाते हो या गाते हो? कहा मैं गाता हूँ। फिर मुझसे कहने लगा आपने दिल दिल पाकिस्तान तो सुना होगा। मैंने कहा मैंने वो दीवारों पे लिखा हुआ देखा है। कहा वो मैंने गाया है। उसके बाद मेरी उसकी मुख्तसर सी बात हुई।
तो वो मुझसे कहने लगा कि आपकी बातें ऐसे लग रही हैं जैसे मेरे जख्मों पे कोई मरहम रख रहा हो। और मेरा एक सवाल है कि एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को, जिन अय्याशियों का ख्वाब देखता है, वो मुझे फिजिकली हासिल हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में अंधेरा है और यहाँ खला है। मुझे लगता है मेरी कोई मंजिल नहीं, मुझे लगता है मैं वो कश्ती हूँ जिसका कोई साहिल नहीं। ऐसा क्यों है? तो तफसीली बात तो अब याद नहीं, लेकिन इतना याद है, मैंने कहा इसकी सिर्फ एक मिसाल समझो कि तुम्हारे इस घुटने में दर्द है और तुम इस घुटने पे दवा लगा रहे हो, तो दवा तो जा रहा है लेकिन फायदा नहीं होगा कि जहां दर्द है वहां दवा नहीं पहुंच रहा, जहां लगा रहे हो वहां दर्द है ही नहीं। ये जो खला है, ये जो दर्द है, ये तुम्हारी रूह के अंदर है और तुम ग़िज़ा पहुंचा रहे हो अपने जिस्म को, ये म्यूजिक, ये ग्लैमर, ये 5 स्टार्स होटल, ये रंगीनी, ये तो जिस्म तक पहुंचती हैं, रूह को इनसे कोई मुनासिबत नहीं है। जिस दिन अपनी रूह को ग़िज़ा पहुंचाओगे तो उस दिन उसे सुकून आ जाएगा, चैन आ जाएगा। इस किस्म की बातें होती रहीं। फिर जब वो 4 महीने के लिए निकला, कुछ अरसे बाद वो 4 महीने के लिए चला गया, तो उसका मुझे फोन आया बालाकोट से कि मौलाना, मैं इस वक्त एक छोटी सी मस्जिद है, पुरानी सी मस्जिद है और एक फटी हुई चटाई है जिसके ऊपर मैं लेटा हुआ हूँ, एक टूटा हुआ फर्श है, हमारी जमात इस मस्जिद में है और जिस सुकून को मैं 5 स्टार होटल्स में ढूंढता था और मौसीकी की महफिलों में ढूंढता था और रोशनियों के सैलाब में ढूंढता था, वो सुकून मुझे यहाँ मिल रहा है। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ जाऊंगा। मैंने कहा अब वो सुकून इसलिए है कि सुकून को महसूस करने वाला जिस्म नहीं होता, रूह होती है, और बेचैनी को महसूस